हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आपका जो वीडियो है आप अभी देख पा रहे हो, जो मेरा ये बम्पर है, इस बम्पर का कंप्लीट मैं कोर केविटी बताने वाला हूँ कैसे बनाना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो बहुत सारा अंडर कट्स है, देख पा रहे हो यहाँ पे अंडर कट्स वगैरह कैसे एनालाइज करना है, कैसे बम्पर की कोर केविटी निकालना है। अगर आपको फाइल भी चाहिए, मैं फाइल भी इसकी ड्राइव फाइल में रख दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो में। तो कंप्लीट जो है इसकी केस कराने वाला हूँ मैं। बेसिकली ये जो मैं है क्लासेस में करवाता हूँ इस तरीके से बम्पर वगैरह है। तो आज जो है मैं आपको यूट्यूब में देने वाला हूँ और आपको साथ में फाइल भी मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो आज का जो वीडियो होंगे, इस वीडियो में पहले आपको पार्टिंग, जैसे कोई पार्ट होता है, पार्ट को कैसे आपको अलाइन करना होता है, पार्ट को कैसे आपकी एनालाइज करना होता है, क्या कैसे अंदर कार्ड वगैरह डिसाइड करना होता है, कैसे ड्राफ्ट वगैरह आप डिसाइड करोगे, उस तरीके से उसको हम एनालाइज करेंगे। पहले एनालाइज करने के बाद इसके हम सरफेस जनरेट करेंगे, क्या क्या सरफेस अपने को सही है, क्या क्या आपके इसके डुप्लीकेट सरफेस रखेंगे जो बाद में अपने को काम आएंगे वो देखेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी पूरा पार्टिंग निकालेंगे। कुछ कुछ चीज़ें अभी जैसे आप कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम क्या मैचिंग नहीं हो पाती है। तो इस केस में जैसे कोई आप कोई सर्फेस में पैच लगाने होते हैं तो एक डाउन होता है, एक आप में होता है। तो इस केस में आपको कैसे उसको ठीक करोगे, उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, उसको तरीका हम देखेंगे, क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम इसकी मेटिंग पार्ट बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ड्राफ्ट लगाएंगे और रेडियस लगाएंगे और कोर और केविटी के बीच में हम कुछ एरिया रिलीफ रखेंगे, कितना एमएम रिलीफ रखना है और उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, इसी तरीके से क्लास वगैरह मैं सिखाते रहता हूँ। और जो मेरा स्टूडेंट है जो देख रहा है ये वीडियो, ऑलरेडी मैं उसको सिखा रखा हूँ ये बार कंप्लीट कोर, तो उसको पता होंगे। तो मिलते हैं आगे क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्योंकि अगर आपको ये बनाना है तो आप वीडियो देख सकते हो और वीडियो अपना प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा मोल्ड डिजाइन के ऊपर। आप जाके पूरा वीडियो देखो और पार्ट डाउनलोड करके खुद से एक बार बना लो। कुछ चीज़ें पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा जो है दो बैच स्टार्ट होने वाला है। एक लाइव क्लासेस का स्टार्ट होने वाला है जो मैं इसी तरीके से लाइव सिखाऊंगा आपको, और एक मेरा रिकॉर्डेड स्टार्ट होने वाला है। दोनों में, एक में 3 सीट खाली है, एक में 2 सीट खाली है। फिलहाल ज्वाइन कर लो, 6000 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है, सीधा ज्वाइन कर लो, 3 सीट है, फुल हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरा बम्पर है, आपको इसकी मैं एक राउंड फिगर दिखा देता हूँ, है ना। एक इसकी जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए है, यहाँ पे जो रिवेट लगती है उसके लिए 2 बोल्ट है, बाकी सारा जो चीज़ें है जो अंडर कट्स वगैरह है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इस यहाँ पे कोई अंडर कट नहीं है, सिंपली है। और थोड़ा सा अंडर कट ये है जहाँ पे हम बोल्टिंग के लिए लगती है, ठीक है, ये वाला अंडर कट है। इस अंडर कट को हम कैसे निकालेंगे ये हम आगे आपको दिखाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कोई अंडर कट नहीं है, ये प्लान है। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिप्टर चलेंगे, ये जो लॉक है हाँ लिप्टर आएंगे, ये जो सिंपल तरीके से निकल जाएगा, स्नैप फिट है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पे भी लिप्टर चलाएंगे हम। बेसिकली जो पार्ट है आपका, पार्ट जो है मिरर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके स्नैप्स है तो कोई यहाँ पे वो नहीं है, सीधा लॉकिंग है। यहाँ पे लिप्टर चलेंगे, इस एरिया में भी हम लिप्टर चला सकते हैं, बड़ा वाला दिखाएंगे किस तरीके से मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा पार्ट है, हमने पार्ट को एनालाइज करना है। पार्ट को एनालाइज करने से पहले आपको देखोगे बम्पर में थोड़ा सा यूनिक डिजाइन है, यहाँ पे देखोगे डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है। तो इसकी जो है हम आज कोर केविटी निकालेंगे, ठीक है। तो कोर केविटी निकालने से पहले हम पार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बम्पर पार्ट है। तो पहले मैंने पार्ट को अलाइन कर दिया, पार्ट हमेशा सेंटर पे होना चाहिए जहाँ पे ये, और आपका जो पार्ट है वो मिरर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट को हम जो है एक श्रिंकेज दे देंगे, ठीक है, मतलब स्केल बॉडी कर देंगे। तो किस में बनता है हमेशा ये पीपी में बनता है, ठीक है। तो पीपी में होती है तो हम इसकी श्रिंकेज जो है पीपी का 1.015 इसकी जो श्रिंकेज होगा वो हम डाल देंगे। देखो इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ एडवांस मॉडलिंग पे, मोल्ड डिजाइन पे। जिसको भी ट्रेनिंग चाहिए वो मेरा नंबर में से मेंशन है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से इस लेवल में ट्रेनिंग होता है और जो पेड क्लासेस होते हैं उसमें आपको बहुत एडवांस डाटा मिलेंगे। और आजकल जो है मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच जो है मैं लाइव क्लासेस भी लेने लग गया हूँ, ठीक है। और 10 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट बुक हो गया है, जो लाइव क्लासेस होंगे आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइव क्लासेस और मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ऑप्शन है, ठीक है। जिसको भी लाइव लेना है लाइव ले सकते हैं, जिसको भी रिकॉर्ड लेना है रिकॉर्डेड ले सकते हैं। रिकॉर्डेड में भी आपको 1 दिन का लाइव मिलती है हफ्ते में, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेंगे। देख रहे हो आप यहाँ पे जैसे है मेरा बम्पर है, तो बम्पर को हम देखेंगे मेरा जो बम्पर है किस तरीके से है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम बम्पर को एनालाइज कर देंगे। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्लोप लगा के दिखाता हूँ, जो जैसे हम स्लोप लगा के देखेंगे इसमें आपकी कहाँ से पार्टिंग स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे पार्टिंग एंड हो रहा है,
वो आपको पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे सरफेस बहुत है, देखो सरफेस जो है बहुत है, तो इसलिए सिलेक्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बट ओवरऑल जो आपके एक्सपीरियंस होगा इसमें बढ़िया होंगे। इस तरीके से अगर आप बम्पर आप निकाल सकते हो कोर की भी, तो आप मान के चलो हर तरीके से आप कोर की बीटी निकाल पाओगे, कैसा भी पार्ट हो। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट मोल्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ अंडर कट्स वगैरह है। ठीक है, कहाँ कहाँ अंडर कट्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे अभी हम अलग से एक अंडर कट्स है, इसको भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसकी रिलेक्शन डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन से निकलेगा, इसकी डायरेक्शन जो होगा आपकी ये जो बॉस है इस बॉस की डायरेक्शन में निकालेंगे हम, है ना। जो बॉस ही बोलोगे आप, जो भी बोलो इसको, तो इसको हम वैसे करके रख देते हैं अभिलाल के लिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा शेक रीजन पे, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा लेकिन बहुत बढ़िया से समझाऊँगा। और इसकी जो डायरेक्शन होंगे हम इसको ऊपर की डायरेक्शन दे देंगे, जेड की तरफ देंगे। उसके बाद जो है हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे कैलकुलेट होने में क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है। इस सरफेस में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो शेक रीजन करके हम क्या करेंगे, इसकी एक हम रेप्लिका जनरेट कर लेंगे कि ये वाला पर्सन कोर में जाएंगे, ये वाला पर्सन केबीडी में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे एरिया होता है, जैसे जिस एरिया में होता है रेडियस, मान लो कोई रेडियस है, कुछ रेडियस का कुछ इनिशियल पर्सन जो है कोर में जाता है और इनिशियल पर्सन कुछ जो रिमेनिंग पर्सन होता है वो केबीटी में रहता है। अब उस केस में भी आपको ये जो शेक रीजन है वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, कौन सी कोर में लेना है कौन सी केबीटी में लेना है। मैं मोल्ड विजार्ड से भी सिखाता हूँ इस तरीके से, अगर सर्फेसिंग वगैरह सीखना है या आपको मोल्ड डिजाइन सीखना है या रिवर्सिंग सीखना है, तो मोल्ड विजार्ड में मैं इस तरीके से करवाता हूँ। इसमें आपको हर एक सीजन में करवाता हूँ मोल्ड विजार्ड में भी, जिसको भी अगर आपको सही है कि हाँ मोल का एनिमेशन सीखना है ना, मोल की डिटेलिंग सीखना है, इस तरीके से आपको कोर की भी निकालना है मोल्ड विजार्ड के थ्रू, वो भी मैं सिखाता हूँ, तो आप मोल्ड विजार्ड भी सीख सकते हो। मोल्ड विजार्ड में बहुत सारा ऑप्शन होती है, छोटी सी अगर कहीं पे गलती कर देते हो तो वो आगे जाके आपको चीज़ें सही से नहीं हो पाती है, दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मोल्ड विजार्ड में आधा काम करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है, इस वीडियो में आपको वो भी पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा जो है पार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, जो मेरा रीजन है मैं इसके रीजन को कैलकुलेट कर रहा है कि कोर में कितना परसेंट जाएंगे, केबीटी में कितना परसेंट जाएंगे। बट ये भी आपका अप टू 90% जो है एक्यूरेट डाटा देता है, बाकी 10% आपके थ्रू आपको पता होना चाहिए कि ये कोर में जाएंगे ये केवीडी में जाएंगे। वो पता कैसे चलेंगे, वो पता चलने की तरीका होता है, तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले जो होता है आपको एनालाइज हो रहा है प्रोडक्ट डिजाइन, जो आपका डिजाइन है, ठीक है, इसको हम एनालाइज होने देते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये बस। तो जैसे मैंने ये सब आपको कंटेंट करवा रहा हूँ, ये सब कंटेंट आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और जो भी मेरा स्टूडेंट देख पा रहा है, जो मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ उनको मैं करवाया हूँ, ये लाइव में करवाया हूँ, बना बना के दिख करके दिखा के बना रखा हूँ पूरे कंप्लीट, तो उसको पता होंगे जो भी देख रहे होंगे। तो इसमें आपकी बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगे, वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे रीजन में जाके। इसको मैं क्या कर दूंगा, शायद ऑल कलर कर दूंगा, जैसे शॉर्ट ऑल कलर कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे अननोन फेसेस, अननोन फेसेस मतलब ये होता है आपकी जहाँ पे स्लाइडर और लिफ्टर होता है, मतलब अंडर कट्स होता है। क्रॉस ओवर रीजन ये होता है आपकी कुछ एरिया है, सर्टेन एरिया, जैसे आपको मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफली दिखाऊँ, देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है इसको पता नहीं चल रहा ये कोर में है या केविटी में है, जो ये वाला कलर में आता है। तो इसको अगर सिलेक्ट कर दूंगा तो देखो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ पर्सन कोर में है कुछ पर्सन केविटी में है। तो ये जो होता है क्रॉस ओवर होता है, और जो पार्टिकल होता है ये होता है ड्राफ्ट, मतलब मेरा जो है हर जगह में ड्राफ्ट प्रॉपर तरीके से मैं दे रखा हूँ, तो ड्राफ्ट में मेरा कोई इशू नहीं है। अननोन मतलब अंडरकट वाला, अंडरकट मतलब जैसे ये वाला अंडरकट है ना, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो देखोगे आप ये वाला एरिया सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो सिलेक्ट हो गया ना ये, तो ये अंडरकट में है, इसको नहीं पता चल रहा है मैं कोर में लूँ या केविटी में लूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। बट रफली एक मेरे को एक एजम्पशन मिल गया कि ये वाला एरिया कोर में रहेगा, ये वाला एरिया केविटी में रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, थोड़ा सोचना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो बॉडी है इसकी मैं एक डुप्लीकेट बॉडी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा अब मैं समझाता हूँ आपको, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे एसोसिएटिव को ऑफ कर लेना, ये वाला जो है ना इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। इसको मैं ऑन कर दिया, अब इसको करने से पहले, इसको मैं ऑफ कर दिया है, अब इसको पहले से पहले अब जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो आपका मेन बॉडी है, जो आपकी स्केल बॉडी है, इसको आप एक अलग से लेयर में रख सकते हो। वो आपको तब काम आएंगे जब आप किसी कोर कैविटी बना के उसको सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका उस टाइम वो चीज़ें काम आएंगे। अभी हम इसको जो है एक बॉडी हम जनरेट कर दिए, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, कंट्रोल जे कर देता हूँ। देखो अब मुझे ये वाला बॉडी सिलेक्ट करना है ना, जो मेरा स्केल बॉडी था, इसको सिलेक्ट करके वन ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं 3 में रख दे रहा हूँ, क्लियर है।
कंट्रोल एल करके ये जो तीन है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरा जो मेन बॉडी था, स्केल बॉडी था, मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब मेरा बॉडी पूरा मिरर है, आप देख पा रहे हो मेरा जो बॉडी है पूरा मिरर है। अब मैं इस बॉडी को 2% में ट्रिम करूंगा। 2% मतलब मैंने 1% में काम करना है, तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, तो एक सी में आएगा, इसको मैं 1% को ट्रिम कर दिया। अब जैसे मैंने 1% को ट्रिम कर दूंगा तो दूसरा पर्सन क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ये पर्सन में काम करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाले एरिया को, उसको पता नहीं चल रहा है कोर में है या केविटी में है। ठीक ना, पता नहीं चल रहा है ना इसको, कोर है या केविटी है, इसको नहीं पता चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये बड़ा पार्ट है, ऐसे पार्टों में अगर आप एक एक पार्ट को अनसीव करके आप पार्टिंग निकालोगे ना तो आपको टाइम लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी एक सरफेस जनरेट करूंगा ऑफसेट सरफेस से। इसका करने का भी 2-3 तरीका है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ट्रिम करूंगा। सबसे पहले मैं इसको सरफेस सिलेक्ट करूंगा, तिरा रखना सरफेस अंदर ना आए। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये जो ब्लू वाली एरिया है उसको सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ब्लू वाली एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये वाला एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका कोर कैविटी में आएंगे। तो सबसे पहले हम केविटी निकालेंगे। केविटी क्यों निकालेंगे, केविटी में बहुत कम फिशेस होते हैं, जैसे रीफ्स हो गए, बॉस हो गए। ये किस में जाता है, ये हमेशा जाता है ना, किस में जाता है, ये हमेशा आपका जाता है कोर में। तो हम क्या करेंगे, कोर में हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो कोर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने को क्या सिलेक्ट करना है, केविटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, सारा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपको वही चीज़ें काम आएंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना। पहले हम बाउंड्री बाउंड्री देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सिलेक्ट हो रहा है। अब हम आते हैं ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका कलर कौन सी दिखा रहा है, ये कलर जो है केविटी का कलर है। तो ये आपको ये पार्टिकुलरली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि मैं जो है कोर में सिलेक्ट ना करूँ, केविटी में ही सिलेक्ट हो। बहुत ही मज़ा आने वाला है, जिस तरीके से मैं पार्टिंग बनाने वाला हूँ, जो जो मैं तरीका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, कि मैं सोच रहा था इसकी मैं पार्टिंग वाला वीडियो डाल दूँ क्योंकि इसकी पूरी मोल बना हुआ है, पूरी मोल बना रखा मैं। बहुत ही एडवांस मॉड्यूल है इस तरीके से, अगर आप पार्टिंग कहीं पे भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, इस तरीके से अगर आपको आ जाता है तो आप एश्योर हो जाओ कि आप कोई भी मोल्ड दे, आपको कैसा भी मोल्ड दे, आप बेहिजक बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था काम पे, तो थोड़ा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था। 10-15 दिन में वीडियो आ रहा है क्योंकि तो आपको पता है बहुत सारा काम होता है। अभी इसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन जो मेरा क्लासेस है वो रेगुलर चल रहा है, जो भी स्टूडेंट है वो लोग रेगुलर क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा एक सरफेस रह गया, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। देखो जब भी सिलेक्ट करोगे, ज़्यादा सिलेक्ट हो गया तो ओके कर लिया करो, ओके कर दोगे तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ओके कर दिया हूँ मैंने, यहाँ पे इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको एक्टिवेट कर लूँगा मैं। अब इसको प्रीव्यू को ऑफ कर लेना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सी एरिया आपने सिलेक्ट कराया, कौन सी एरिया आपने सिलेक्ट नहीं कराया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है आपको, ये जो है सिलेक्ट करते आपको इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है, तो कोई रह नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका ये जो है ये वाला फेस रह गया आपका, क्योंकि तो यहाँ पे जो स्नैप्स होती है इसमें हम रेडियस नहीं लगा सकते क्योंकि तो यहाँ पे लॉकिंग का काम आता है ना, ये जो आपकी दूसरी पार्ट है उसके साथ लॉक होता है। देखो जो बम्पर होता है ना, सबसे बड़ा बम्पर का जो मेन मतलब क्रूशियल पार्ट होता है ना, उसके होते हैं लॉकिंग। जिसका भी गाड़ी वगैरह है, जो गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं, उसको पता होंगे सबसे ज़्यादा क्या टूटता है, उसकी लॉकिंग, लॉक टूटता है। बम्पर जब भी बनाते हो उसकी लॉक जो है ना प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो ना, तो बम्पर का जो है ना लॉक जो है मेन होता है, मतलब आपको लॉक प्रॉपर होना चाहिए आपका बम्पर का।
ऑलमोस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया हमने ये वाला एरिया कौन सी में सिलेक्ट कर दिया हमने, तो देख लेना होल्स वगैरह की जो है कोर में है कि कैविटी में है, उसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब देखो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, हम जो सॉलिड बॉडी है सॉलिड बॉडी को मैं हाइड कर दिया हूँ, ठीक है सॉलिड बॉडी को मैंने हाइड कर दिया। अब मेरा जो है बस रेप्लिका रेप्लिका रह गया है। अब रेप्लिका में मेरे को ये देखना है, ये मेरा रेप्लिका जो है इसके में मेरे को ये देखना है, ये मेरा जो है यहाँ पे जहाँ पे जिसको क्लोज करना होगा ना, मैं देखो देख लेता हूँ ये वाला एरिया मेरे कोर में है, कोर में है। एक बार आप लाफली देख सकते हो इसको सिलेक्ट करके, एक बार आपको अपने से खुद से अगर सेक करना है तो आप खुद से सेक कर सकते हो, सेक करके ये मैं हटा रहूँगा क्योंकि ये मैं लिप्टर में लूँगा, ये भी मैं लिप्टर में लूँगा, ठीक है ये मेरा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट था यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके देखो ये वाला एरिया मेरा रह गया, ठीक है ऐसे आपको हर एक चीज़ें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ठीक है, तो ये भी हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, तो एक एक करके हम सारा चीज़ें जो है सिलेक्ट कर लेंगे इजीली जल्दी। देखो सिलेक्ट करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि अगर आपको कोई भी एक सर पे ट्रू जाएगा ना, अगर रख जाएगा या कहीं पे मिस हो जाएगा तो वो आप बाद में बहुत आपको दिक्कत करने वाला है, तो सिलेक्ट करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से सिलेक्ट करना है। देखो मैं तो एक ऑफसेट सरफेस करके बनाता हूँ, तीन तरीके से मैं पार्टिंग सिखाता हूँ, एक ऑफसेट सरफेस हो गया है ना, एक आपको अलग तरीके से होता है वो मैं अगर वीडियो में कराऊंगा तो पता लग जाएगा आपको। लगभग मैं जैसे मैं मोल्ड डिजाइन कराता हूँ लगभग मेरा 10 क्लास 10 क्लास जो होती है ना पार्टिंग के ऊपर होती है। एक मैं जैसे यह बम्पर का केस करवा रहा हूँ है ना, अभी देखो ये तो थोड़ा सा सिंपल बम्पर है, अगर मैं आपको मर्सिडीज वाला जो बम्पर मैं करवाता हूँ क्लासेस में, अगर वो मैं आपको दे दिया जिसका मैं रिवर्सिंग भी कराता हूँ, तो फिर आपका हो गया कि आपको पता ही नहीं चलेंगे कहाँ से क्या चीज़ें क्या आ रही क्या नहीं आ रहे। चलो ठीक है इसको ओके कर देते हैं, क्लियर ठीक है। अब जो है हम इसको हटा देते हैं, हटा देने के बाद इसका मैं कलर कर दूंगा कलरिंग, ठीक है कलर कर दूंगा, ये यहाँ पे भी इसको शेक रीजन कर सकते हो, शेक रीजन कर सकते हो ठीक है, अभी इसको भी शेक रीजन में कर सकता हूँ। शेक रीजन करने से पहले देखो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा आ गया है यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है डबल डबल पार्टिंग आ रहा है उसको सिलेक्ट करके मैं एक कमांड है आईसो इंक्लाइन कर्व, ठीक है इसको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, कर दिया। उसके बाद जो है इसको मैं फैक्टर दे देता हूँ, फैक्टर देने के बाद मेरे को यहाँ पे पार्टिंग एक मिल गया है ना, ठीक है ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया, बेसिकली ये मेरा पार्टिंग है। तो इस तरीके से हम इसकी पार्टिंग शार्प पार्टिंग देखेंगे। बहुत लोग क्या करता है ये वाला रेडियस ले लेते हैं, रेडियस लेने से ना कुछ एरिया 90 में आता है कुछ एरिया निगेटिव में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है एक टाइम के बाद जो आपका पार्टिंग होता है ना बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, फिर वहाँ से ना फ्लैश जो है जनरेट होने लग जाती है, मतलब मोटा पार्टिंग आने लग जाता है, तो मोटा पार्टिंग नहीं लेना है आपको, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सरफेस में जाके जो मैं तरीका बताने जाने वाला हूँ बहुत ही काम का है, थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार बता दूंगा ठीक है। और देखो मेरे से ना मेरे पास लोग बहुत आते हैं, जैसे ये है वो है, बोलते हैं सर थोड़ा सा आप एडवांस तरीके से सिखाता हो, सिखा भी देता हूँ मैं है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो मैं देता हूँ लेकिन क्या होता है कंपनी जाता मैं किसी को डायरेक्ट प्राइवेटली शेयर नहीं कर सकता हूँ है ना, तो क्लासेस में एक एक चीज़ें हम शेयर करवाते हैं कि हाँ ठीक है ये ले लो आपको ये काम आएगा, आपको इतना हो गया है आप इतना सीख सकते हो, ये भी आपका जरूर आएगा ठीक है, इसको भी हम डी सी ले कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्लासेस में हो पाती है, यूट्यूब में या सोशल प्लेटफॉर्म में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाती है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब ओके कर देते हैं, अब ओके करने के बाद देखो यहाँ पे पार्टिंग गायब हो गया है, यहाँ पे पार्टिंग गायब हो गया तो इसको भी आपको अनसीव करना पड़ेगा, मतलब ये जो है इसको हम अनसीव और यहाँ पे भी हम इसको अनसीव कर देते ठीक है। अब हम कर देंगे इसको ट्रिम शीट, ट्रिम शीट मतलब बोले तो ये, इसके बाद जो है ये जो लाइन है इसकी टेंजेंट लेना है इसको, तो ऑफ कर दो आपको ये टेंजेंट लेना ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको जो है हम सिलेक्ट करके ठीक है, तो इसको हम कर दिया है ट्रिम। अब ट्रिम शीट जो करा है इसको हम ऊपर वाले को करना पड़ेगा आपको, ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में डिस्कार्ड को करना ठीक है, तो ये ट्रिम हो गया आपका। सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, इसको ए भी था इसको भी हमने अनसीव कर दिया,
है, ऑलरेडी आंसू हो रखा था शायद में भी, क्योंकि हम इसको करेंगे, ये भी आंसू हो रखा है। अब हम इसको भी ट्रिम शीट करेंगे। ट्रिम शीट बोले तो ये वाला एरिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेंजेंट लेके, ठीक है, ये वाला टेंजेंट लेने के बाद आपको जो कार्व है, आपको कार्व को ले जाना है एकदम यहाँ तक। उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं एरिया सिलेक्ट कर दिया और कहीं एरिया रह गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए। देख रहे हो वहाँ पे, तो इसके बाद हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डिस्कार्ड कर दें, डन, ये हो गया। अब ये वाला एरिया कैमरा काम का नहीं है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। मेरा यहाँ पे मेरे को मिल गया पार्टिंग, पार्टिंग मिल गया मेरे को, ये वाला मेरा पार्टिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पार्टिंग में सब परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं यहाँ एन साइडेड लगा दूंगा, यहाँ पे एन साइडेड लगा दूंगा। इस तरीके से जो भी आपकी होल्स है, जो भी पैच है, वो आप फिलअप कर लो। सिंगल कार्ब नहीं, यहाँ पे टेंजन कर लो और इसको हटा दो आप, ठीक है, जो भी पैच है। अभी देखो हर एक पैच को अलग अलग तरीके से हम हटाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कौन सी पैच हटाना है आपको। जैसे ये वाला है आपका, ये जो है इसको तो हम एक बार में बंद कर देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। हम पैच को ना, मेन मेन जो पैच है उसको हम बाद में हटाएंगे, छोटी छोटी पैच को फिलहाल के लिए हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है तो होल से अभी बंद कर लेते हैं। बाकी बड़ा बड़ा पैच को किस तरीके से बंद करना है मैं बढ़िया बढ़िया तरीका सिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैं डिले तेज से भी कर सकता हूँ, लेकिन डिले तेज से करूँगा ना तो कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाएगा, तो वहाँ पे डिले तेज यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये होल है, ये सब बंद कर सकते हो अभी आप, इसका आप बंद कर सकते हो, ये सब बंद कर दो आप, होल्स को बंद कर लो फिलहाल के लिए। और बाकी जैसे पैच है इसको हम बाद में बंद करने के लिए आपको सरफेस में खेलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मैं बाद में समझाऊंगा। तो पहले आपका जो इंटरेस्ट है वो पार्टिंग में है, मुझे पता है, तो मैं पहले आपको पार्टिंग करवा देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने होल बंद कर लिया है और बाकी चीज़ें जो है वो भी हम मैं बंद करूँगा, पहले हम आपको पार्टिंग करवाते हैं, ठीक है। तो मैं फाइल को यहाँ तक सेव कर लेता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा होंगे क्योंकि मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, हर एक चीज़ें आपको बता के कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेंगे लेकिन सीखने को बहुत मिलेंगे इस वीडियो में, हर एक चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। और जो भी मेरा स्टूडेंट देख रहा है, जिसका भी मैं क्लासेस में सिखाया, उसको पता ही है ना। तो आपको मैंने अलग तरीके से सिखाया था, है ना, दूसरा वाला तरीके से पार्टी निकालना सिखाया था, ये तो मैंने ऑफिसर सर्फिस से करा रहा हूँ आपको। देखो अगर आप सीख रहे हो ना, असेंबली में सीखो, ठीक है, अब एडवांस सर्विसिंग में सीखो, बेसिक सीख के ना आजकल कोई मतलब नहीं है। आप बड़े कंपनी में जाओगे, इस तरीके से एक पार्ट दे देगा सर्विस में, खेलते रह जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर आओगे, फिर दोबारा, फिर कहाँ से सीख लिया मैं, फिर क्या मुझे कुछ पता ही नहीं चला, फिर वही वाली बात हो जाएंगी। मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने यहाँ से सीखा, मेरे को बेवकूफ़ बनाया, मेरे को आता ही नहीं है, ये है वो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो बात वही है। देखो एक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं इस तरीके से ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है, सॉरी एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाले चीज़ ये है कि ज़्यादा सरफेस ना आए, मतलब ज़्यादा सरफेस आपका नहीं आना चाहिए। तो ये सरफेस में ज़्यादा सरफेस मतलब ये जैसे डॉट 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 लाइन लाइन से आ रहा है ना, ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसको कैसे आप हटाओगे, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा पार्टिंग तब बना पाओगे जब आप चीज़ें को अच्छी तरह करोगे, अच्छी तरह मतलब अच्छी तरह इन द सेंस आपको सरफेस में ना प्रॉपर क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन सरफेस। जैसे देख रहे हो यहाँ पे कितना गंदा सा लग रहा है ना, कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे सरफेस जो है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे, कैसे मतलब उस सरफेस को मैं हटाऊंगा। तो
यहाँ पे हम जो है इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको मैं सिलेक्ट करके सिंगल सर्विस, इनपुट सेक्शन हैज नॉट नो वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पे कर्व है आई गेस, ठीक है, इसको जो है हम अनसेव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अनसेव कर देते हैं, अनसेव हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ दिखा रहा है, तो यहाँ अनसेव नहीं हो रहा है, ठीक है, अनसेव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, हम जो है इसको हटा देते हैं पहली बात तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ अनसेव हो रहा है, यहाँ पे भी अनसेव नहीं हो रहा है, मतलब देखो कभी कभी एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कभी कभी आप कोई भी सरफेस बनाते हो ना, वो बनने की बात जो है ना, वो एक फेसेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हो कोई सरफेस आप बनाते हो, फिर बाद में जो है वो फेसेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो है ना, ऐसे क्यों होता है वो। तो इस केस में आपको एक एक पार्टिंग आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब एक एक पार्टिंग आपको खुद से बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर दिया। अब देखो आप इसको अनसेव करके, अगर एक साथ सब बनाते हो ना, ये वाला प्रॉब्लम आता है। अब देखो सिलेक्ट हो रहा है ना, तो ये तरीका मैं बोलने जा रहा था आपको। तो भी हम करेंगे, इसको भी हम करेंगे, ये वाला एरिया को सिलेक्ट करके फैक्टर दे देंगे, ये वाला इसको भी सिलेक्ट कर लो आप, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, क्लियर है, सब सिलेक्ट कर दिया। अब देखो इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या लगाना है, स्वीप लगाना है। स्वीप में क्या होगा आपको, अब बताऊंगा स्वीप में क्या होगा आपका, जो भी आपकी छोटी छोटी लाइन आ रहा था ना, वो लाइन हट जाएगा आपका, तो ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जितना लाइन कम करोगे उतना बढ़िया है, मैं तो बहुत टाइम कम से बनाऊंगा। अब इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। कहीं जो है आपका सरफेस एक बार चेक करो, कहीं पे मिस आउट तो नहीं है, यहाँ पे कोई सरफेस मुझे लग रहा है मिस आउट है, तो हम पहले यहाँ पे जितना भी सरफेस है ना, उसको मैं पहले हटा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ये वाला बनाता हूँ, इसको हम डिलीट कर दूंगा मैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेक्ट करने में हेक्टिक है। हेक्टिक क्यों है, क्योंकि आपको एक एक सरफेस खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पार्टिंग बढ़िया बनाना है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूँगा, ऐड करके ये वाला सिलेक्ट करूँगा, इसको ऑन कर दोगे तो ये लाइन आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरे को लाइन नहीं चाहिए तो मैं लाइन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका फीचर्स है उसमें ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये वाला फीचर्स अलग है ना, इसके ऊपर मैं काम करूँगा, इसको टेंजेंट लेके देखो पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो हम जो है यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा है, लाइंस ज़्यादा होगा तो दिक्कत करेगा आपको, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लाइंस आ रहा है ना, बहुत सारा लाइंस आ रहा है, इतना लाइंस का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, और ऐड करके आपको ये सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये वाला। लेकिन यहाँ पे गैप आ रहा है, क्योंकि गैप क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने ये वाला सिलेक्ट नहीं करा था, ठीक है। अब इसको ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे सही लग रहा है ना, पार्टिंग पूरा स्ट्रेट से लग रहा है,
यहाँ पे बहुत सारा गड़बड़ है, हम इसको भी हटाएंगे, ठीक है, इसको भी हम सिलेक्ट करना है। जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काम का है, क्योंकि कुछ अलग तरीके से मैं करवाता हूँ, ठीक है। ये जो आपका एज है इसको सिलेक्ट करके आपको, देखो एक बार में ऐसा नहीं करना है आपको कि पूरा आपका लाइन गायब हो जाए, वो भी गलत है। कुछ हद तक आपका लाइन रहना चाहिए, कुछ क्लीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 साल लाइन है, वो नहीं चाहिए मेरे को। मैं क्या करूँगा उस केस में, मैं इनको गायब कर दूंगा, इनको ही गायब कर दूंगा, मैं इनको अनसेव कर दूंगा। अब इसको मैं एक बार में लूंगा, तो मैं एक बार में लूंगा। अब समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, आपको तरीका बताना पड़ेगा ना। और इस तरीके से आपको सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मेंशन है नीचे, ठीक है। एक दो ऐसे लाइन होना चाहिए तब क्या लगता है, जेनुइन लगता है, ठीक है। अगर एक दो लाइन नहीं होगा ना, जैसे यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लाइन होगा ना, बढ़िया है कि आपके लिए सही हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे अनसीव करोगे ना तो सब अनसीव सील हो जाएगा, क्योंकि एक सरफेस में मैंने बना दिया इसको, ठीक है। खैर रहने देते हैं इसको अभी, क्योंकि आपको मैं बता ही रहा हूँ। अब जैसे ये है, इसकी डायरेक्शन दे देंगे ये, लेकिन इसके साथ पंगा क्या है, ये वाला जो एज है ना, यहाँ से हल्का सा ना, यहाँ से देखोगे आप, देखो यहाँ हल्का सा ना ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से एक लाइन आ रहा है, इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये सेम वही प्रॉब्लम है जो स्नैप्स है, स्नैप्स में थोड़ा सा ड्राफ्ट देना पड़ता है, इस ड्राफ्ट की वजह से ही लाइन आता है। जितना भी स्नैप आप डिजाइन करते हो ना तो आप देखे होंगे, हल्का सा ड्राफ्ट देना ही पड़ता है, तो ड्राफ्ट की वजह से ये लाइन आ जाता है। ठीक है, ये भी सिलेक्ट करके हम, ये भी सिलेक्ट करके, ये भी हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक देखो, यहाँ मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसको आप बीच में अगर छोटी छोटी लाइन है वो आपको हटा सकते, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रहा है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एक बार में सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इसको हम जो है इसको एक बार में हम इसको लगा देंगे, ठीक है। अगर एक्सट्रूड वाले केस में अगर आप नॉन कॉन्टिन्यूसली बनाते हो, कभी कभी सिस्टम का एरर मान लो या कुछ भी आप एरर मान लो, ये जो प्रॉब्लम होता है मैं देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके आपको करना पड़ता है, एक एक मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होता है ना, टेंजेंसी करके भी करते हो ना, तो कहीं कहीं कुछ एरर दिख जाती है वो चीज़ें, वो आपको अभी पता नहीं चलता है बाद में, लेकिन वो दिक्कत करता है वो, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा लाइन है, ठीक है, यहाँ देख लो आप, बहुत सारा जॉइन लाइन है, इसको हम एक बार में करेंगे। यहाँ पे हल्का सा ना रेडियस ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब रेडियस जो है कम सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको वेव सा दिखेंगे, देख रहे हो, ये जो है वेव सा दिख रहा है आपको। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं यहाँ तक ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ तक ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको और उसको एक अलग बनाऊँगा मैं, ठीक है, इसको एक अलग रेडियस में बनाऊँगा, नहीं तो ये खराब दिखेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे रेडियस आपका अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ें दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। वो नहीं दिखने के लिए हम जो है ये वाला तरीके से हम बना रहे हैं। अगर इसको मैं सीधा बना दूंगा ना, तो उसको लग जाएगा ये फेक पार्टिंग बना रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर सीधा सा देख रहा है, ठीक है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो वो वाले रहना चाहिए।
ऐसे देखा देगा वो अलग बात है ना, लेकिन आपको आपकी कमी दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डुप्लीकेट बना रहे हो, आप सही बना रहे हो, बस चीज़ें भी एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, कोई उस कहीं पे कुछ दिख रहा है मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इस डायरेक्शन में दे देंगे, यहाँ पे हम ये वाला दे देंगे, यहाँ पे देने के बाद इसको जो है हम ये वाला एरिया दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाले एरिया को आप स्वीप से भी बना सकते हो। मैं मैक्सिमम केस में स्वीप बनाता हूँ, बहुत सारा कमांड है, देखता हूँ स्वीप मेरे पास मेरे मेरा जो है शॉर्टकट बना हुआ है, मतलब मेरा जो है अपना रोल बना हुआ है, तो इसलिए मैं स्वीप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा रोल नहीं होता तो मैं स्वीप का यूज़ नहीं करता, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये हटाना है तो हटा सकते हो आप। वो डिपेंड करता है मैं कहाँ पे, मेरे को कौन सा कमांड से नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कमांड यूज करूँगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे सर वो बहुत सारा लाइन दिख रही है, तो हम इसको लाइन को हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनसेव करना पड़ेगा। अनसेव मतलब 1 2 3 तो हटा दे, रेडियस में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हटा ही दो। फिर इसको आप स्वीप से बना लो। ठीक है, क्लीन होना चाहिए, क्लीन क्लीन, बस देखो यहाँ से सिर्फ क्लीन है, थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है, इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्लीन हो जाएगा। अनसेव कर लो पहले इसको, फिर इसको डिलीट कर दो, फिर इसके बाद जो है इसको सेव कर लो। डिलीट नहीं हो गया, फिर इसके बाद इसको स्वीप कर दो। सब जो खेल है ना, इसकी खेल है, प्रिजर्व सरफेस का खेल है। तो ये वाला भी हम अनसेव कर देते हैं, इसको मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है ये मैं इसको ला के, इसको ला के इसको मैं ये वाला सरफेस और आपका ये वाला सरफेस एक कर दूंगा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बेझिझक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से देखूंगा मैं, ये हमारा पार्टिंग यहाँ से बन गया है। अब मेरे को ये जो पार्टिंग है ना, ये वाले पार्टिंग जो है, मैं इस पार्टिंग को मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब मैं अगर इसको सीधा यहाँ से बनाऊंगा तो ये मेरा जब कोर के बीच मीटिंग होगा तो मुझे तो बटिंग एरिया चाहिए ना, बटिंग एरिया समझते हो? मतलब देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से नहीं बना के, मैं अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता तो वैसा भी मैं इंसर्ट बना के पार्टिंग बना सकता था, लेकिन इस गलत तरीके से मेरे को अच्छा लगा ये वाला तरीका। इस वाला तरीके से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि तो मैं यहाँ पे लिप्तर बनाऊंगा, है ना, लिप्तर बनाऊंगा तो लिप्तर को बटिंग करने के लिए कुछ मेरा एरिया चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस पार्टिंग को इस तरफ बनाया। मतलब जैसे मेरा ये लिप्तर है, लिप्तर को इस एरिया में थोड़ा सा मैं बटिंग दे दूंगा। बटिंग देने से क्या फ़ायदा हो जाएगा मेरा लिप्तर में, क्योंकि लिप्तर में बाद में चलते चलते लिप्तर में ना दब नहीं जाता है। ठीक है, कुछ एरिया आपको पार्टिंग एरिया में देना पड़ता है, लिप्तर को निकालना पड़ता है, तो इसलिए इसकी पार्टिंग जो है मैं इस तरफ से निकाला। बट यहाँ पे मेरा लिप्तर नहीं है, तो इसकी पार्टिंग को बिठाने के लिए इसको मैं नीचे डायरेक्शन में ले जाऊंगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? तो वो वाली बात का मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ये पार्टिंग है, इसको मैं, ये जो पार्टिंग है आपको, मैं इसको मैं डायरेक्शन की वाइज ले जाऊंगा। आई मीन मेरा जो होगा ये मैं लूंगा कर्व वाला, ये ऑन द वेक्टर लूंगा, लेने के बाद इसको मैं डायरेक्शन दे दूंगा ये, और ये दे दूंगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ये तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब देखो मैं फैक्टर चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं भी फैक्टर चेंज भी कर दूंगा मैं। अब देखते रहो मैं कहाँ फैक्टर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फैक्टर एक जगह में आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर फैक्टर चेंज नहीं करोगे तो वहाँ पे निगेटिव बन जाएगा आपका। कैसे निगेटिव बन जाएगा? देखो ये है आपका, देखो ऊपर से, देखो पहले ऊपर से निगेटिव नहीं बनना चाहिए, बन रहा है निगेटिव? नहीं बन रहा है ना,
यहाँ पे बन रहा है क्या? नहीं करीब, नहीं ना, देखो ना ऊपर से, देखो ऊपर से, ऊपर से आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकरीब बन रहा है, ये वाला पार्टिंग एरिया है आपका, ये देखो निगेटिव बन रहा है, नहीं बन रहा है निगेटिव, नहीं बन रहा है ना ये एरिया, आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर निगेटिव बन रहा है, मान लो आपका सीधे निगेटिव बन रहा है, तो ये वाला फैक्टर आप चेंज कर दोगे। मान लो मेरे को निगेटिव बन रहा है सपोज, तो मैं ये वाला फैक्टर चेंज कर दूंगा, मतलब इसका जो एक्सट्रूड वाला फैक्टर है ना, तो इसकी एक्सट्रूड वाला फैक्टर मैंने कौन सा ले रखा था, ये वाला, इसको मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके मैं इसकी डायरेक्शन ले लूँगा। अब आप देखो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं इसकी फैक्टर दूसरा ले लूंगा, वो भी मैं कर सकता हूँ। बोले तो मतलब मेरा बोलने का जो वो है, इसको मैं, इसका मैं डायरेक्शन अलग दे दिया, अब मैं इसकी डायरेक्शन जो है ना अलग दे दूंगा। तो इसकी डायरेक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डायरेक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डायरेक्शन में ये दे रहा हूँ। अब इसको मैं ये दे दिया और यहाँ पे मैंने ये दे दिया। अब इन दोनों पार्टिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पार्टिंग है, यह देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों पार्टिंग को आपको सीव करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को आपको अनसीव करके, इसको अनसीव करके इसको आपको स्वीप करना पड़ेगा। समझ आए मेरी बात को? एक तो ये तरीका है, अब 500 mm कर रहा हूँ मैं, 500 mm को जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतने में काट दूंगा मैं, ठीक है। अब ऊपर से देखोगे ना, अब देखो आप, सही है आपका पार्टिंग जो है सही है, कोई अंदर कट नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली हम ये वाला एरिया भी हम बनाएंगे इसी तरीके से, जैसे मैंने ये बनाया था, एक्सट्रूड करा है, इसको भी मैं एज से मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा साथ में लेके। क्लियर है? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं, ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन को मैं इस डायरेक्शन के थ्रू ले जाना चाहता हूँ मैं, ऐसे हो रहा है, तो इसको आप अपडेट डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस डायरेक्शन को मैं, जो ये डायरेक्शन है, इसको मैं इस डायरेक्शन के थ्रू ले जाना चाहता हूँ, तो इस डायरेक्शन के थ्रू भी ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के साथ भी आप ले जा सकते हो, लेकिन इस डायरेक्शन के साथ आपको क्या होता है ना, थोड़ा सा टेपर एंगल कम मिल जाता है, तो मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा टेपर मिल जा रही है, तो अब मैं ये प्रेफर करूँगा आप इस डायरेक्शन के साथ जाओ। कंट्रोल वाई, तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये 2 बार में ये भी हट गया। अब मैं ये आपको प्रेफर करूँगा आप इस डायरेक्शन के साथ जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको पार्टिंग से कम मिल जा रही है ना, आप इस डायरेक्शन के साथ जा सकते हो। आप डिस्प्ले कर दो, परफेक्ट, हाँ ठीक है। अब बात आती है इस वाले की, इस वाले की थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इस वाले का डायरेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कट जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मैं निकालूंगा, आपको देखना है ऊपर से अंदर का तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके साइड भी आपका ये वाला एरिया जो है हम बना लेंगे साइड, ठीक है। देखोगे यहाँ अंडर कट नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपका एरिया है जो बहुत क्रूशियल एरिया है, इसको हम स्वीप से भी बना सकते हैं, स्वीप से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देख, आपको देखना है, ये है कि ये जो एरिया है इसके बीच में कोई रिजर्व सेल को मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इसके बीच में भी स्वीप लगा देना है, ठीक है, देख लो कोई दिक्कत है। हल्का सा पार्टिंग यहाँ पता लग रहा है आपको, हल्का सा, लेकिन ये तो रहेगा, ये पार्टिंग ही है आपका, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो,
पार्टिंग ही आपका, लेकिन इसको आप कम कर सकते हो, इसको ना आप कर सकते हो कम इसके ऊपर। कैसे करोगे? इसको करने का एक तरीका है, इसको करने का एक तरीका है, अभी मैं समझाता हूँ। उससे पहले आपको ये अलग ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं समझा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे ट्रिम बॉडी लेना है, इसको भी ट्रिम बॉडी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको ये जैसे ये सरफेस है, इसको आपको कट देना है, ठीक है। तो ये रह गया, इसको भी हम कट देते हैं। ये वाले एरिया जो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाले एरिया को भी हम काट देते हैं, क्लियर है। अब इनके बीच में जैसे ये आपका सरफेस है, इसके बीच को ठीक करने के लिए आप एक कमांड लगा सकते हो, ध्यान से सुनना। ब्रिज कर्व, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में मैं लगाऊंगा स्वीप। थ्रू कर्व मैश भी लगा सकते हो आप, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। सिलेक्ट करके दोनों के बीच में, ठीक है, देखोगे आप प्रॉपर तरीके से बन गया है, ठीक है। यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ इसको अगर अच्छा से करना है ना, तो यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। यहाँ से कट लगा के इस एरिया को प्रॉपरली आपको मतलब सील करना पड़ेगा। ये जो एरिया है ना, इसको आपको ऑफसेट करना पड़ेगा। इन द सेंस मेरा बोलने का ये है, ट्रिम सरफेस को मैं हटा देता हूँ, मैं एक और पार्ट, अगर थोड़ा सा और आपको शार्प अच्छा मतलब अच्छा करना है ना, तो इसको आपको हल्का सा -1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कम ज़्यादा करके इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं इतना टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्टिंग है, इस तरीके से आपको ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, कहीं पे भी निगेटिव नहीं बन रहा है। ये भी ध्यान रखना है, जब भी बनाओगे इसको निगेटिव ना बने, ये भी ध्यान रखना है आपको, दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ से जो ये लाइन है, इसको आपको पार्टिंग बनानी है, ये वाले एरिया को। अब देखो ये वाला एरिया हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, आपको इसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हो। ये डायरेक्शन बोले तो इस तरफ आ जाएगा ये, जैसे हमने ये स्वीप करा है ना, तो अगर मैं स्वीप ना करके अगर मैं इसी डायरेक्शन में निकाल लेता मैं, ठीक है। इसके बीच में मैं देखो खेलना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉपर्टिंग पूरा प्लान चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो आपको खेलना पड़ेगा। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिंग पता ही नहीं चल रहा है आपका। ऊपर से भी देखो कोई अंडरकट है, अंडरकट बन गया ना अंडरकट। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको करके पता लगना पड़ेगा। तो पहली वाली हिसाब से तो इसको आप इस डायरेक्शन में ही नहीं ले पाओगे, इसको आपको इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन में बोले तो आपको ये जो है इस डायरेक्शन में ले जाते हम। अब आप देखो अंदर कट बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद जो है इसको अनसीव कर दूंगा मैं, इसको अनसीव करने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब आप ऊपर से देखोगे अंदर कट बनना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन दिखाएगा, आपको इसकी डायरेक्शन सेंस करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर से देखो अंदर कट है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक स्यू लगा देंगे, मतलब एक स्वीप सरफेस लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक स्वीप सरफेस लगा देंगे, क्लियर है। देखो इस तरीके से भी हम अगर स्लाइडर चलाना चला सकते हैं, इस तरीके से भी हम चला सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो ये वाला आपने तरीका समझ गया ना। मैं क्या करूँगा, इनको ना एक ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने से पहले इसको शिव कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम तो हो गया वैसे, ठीक है। कुछ रह ना जाए बस, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना रह ही जाता है जितना भी आप सिलेक्ट करोगे ना। तो इसको हम इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ट्रिम। क्यों करने के बाद देखो, फेसेट बॉडी हैज एनालिटिक बॉडी, यू मस्ट बी आइदर एनालिटिक और फेसेट। तो आपका यहाँ पे कुछ एनालिटिक बॉडी मिल गया है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले इस तरीके से भी पार्टिंग को बना लेता हूँ मैं। अब एनालिटिक बॉडी का बहुत पंगा पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस सरफेस को भी साथ में ले लेते हैं हम। इस वाली में बेसिकली कम है, एनालिटिक बॉडी जब जब रहता है ना तब क्या करते हो, ट्रिम नहीं हो पाता है वो चीज़ें। तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो कि जो बॉडी मेरा ट्रिम नहीं हो रहा है वो मेरा एनालिटिकल बॉडी है, और वो बॉडी कहीं कहीं ना स्यू नहीं हो पाती है, जैसे अनस्यू नहीं हो पाती है, जैसे यहाँ पे स्यू हो रही है ना, ये नहीं है। उससे भी आपको पता लगा सकते हो कि हाँ मेरा बॉडी जो है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली को भी डन। के बाद जो है आपको एक ये सिलेक्ट करना है और दूसरे में आपको ये सिलेक्ट करना है, इसको ऑफ कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी ये ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चाहिए मेरे को। देखो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, ये सब करोगे ना तो फिर सही लगता है पार्टिंग आपके। ये वाला हटाना पड़ेगा, अभी मैं हटाऊंगा। हाँ इसको मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेरा ये पहला वाला अंश उठा ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करना भी पड़ेगा, हट जाएगा। ठीक है, स्वीप 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 में क्या गड़बड़ी हो गई, स्वीप में हमने ये सिलेक्ट कर दिया, एक सरफेस दूसरा ऐड करके ये सिलेक्ट कर दो। चलो ठीक है, दोबारा से करता हूँ। कुछ सरफेस इसको हटा दिया मैंने, मुझे लगा मैं पहला वाला हाथ सेलेक्ट कर लिया, सेकंड वाला सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि तो ये वाला सिलेक्ट नहीं करा था मैंने, ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ ऐड करने के बाद ये सिलेक्ट। क्लियर है? ठीक है ना, इसको भी हम कम करेंगे, पहले मेन मेन चीज़ें कर लेते हैं, जो मेन मेन ऑब्जेक्ट है। देखो जो तरीका है ना वो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे इसको हम देखो मैं 500 का कर रहा हूँ, ठीक है, 500 mm दे रहा हूँ, लेकिन 500 mm रियल में दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ के बाद जो है इसको एक्सट्रूड कर दूंगा मैं। के बाद जो है इसको मैं कर दूंगा ये वाले तरीके से, उसके बाद इसको मैं स्वीप कर दूंगा एक्सट्रूड के साथ। ये वाला एक्सट्रूड भी ले लो आप, ये वाला, क्योंकि रेडियस वाला एक्सट्रूड ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, रेडियस वाला एक्सट्रूड हमेशा ऊपर दिखा देना आप। रेडियस वाला ऊपर दिखा सकते हो, तो फिर क्या लगता है ना, जेनुइन से लगता है। नीचे भी दिखाना तो दिखा सकते हो, लेकिन मैं दिखाया नहीं है। मैं यहाँ पे 3 सर्विस mm में इसको हटा दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं स्वीप का यूज करूंगा। अगर आपको आगे बम्पर वाला भी सही है तो कमेंट सेक्शन में सही आना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर प्रॉपर तरीके से आपका आएंगे ना तो फिर मैं क्या करूँगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं तो इसको अनस्यू करा था ना मैं। ये पहले अनस्यू था, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्वीप में एक तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करा था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आऊँगा, और एक तो आपका ये सिलेक्ट हो रखा है, ऐड कर दूंगा, फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ये इसको डी सिलेक्ट कर दूंगा। लिस्ट में देखो आप, दो गाइड
एक गाइड ये वाला, इसको हटा देना पड़ेगा, आपको रिमूव कर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका ये बन गया है। उसके साथ जो है हम ये भी बना देंगे आपका। इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके इसको कर दिए हमने क्यों, ठीक है। आपको देखना ये है, ये जो पार्टिंग है यहाँ पे हल्का सा ना शो हो रहा है, ये वाला हल्का हल्का सा शो हो रहा है। तो आपको ये हमने ये बनाया नहीं, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, और ये जो एक्सट्रूड है मेरा, ये जो एक्सट्रूड है इसके साथ मैं इसको भी ले लेता हूँ। क्लियर है? इसके साथ आप स्वीप से भी बना सकते हो। देखो ये अगर आप स्मूथ करना है ना, इसका स्मूथ करने का तरीका और है, यहाँ पे स्मूथ करने का तरीका और है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पार्टिंग जो है पॉजिटिव निगेटिव आपको चेक करना है, पॉजिटिव निगेटिव चेक है कि नहीं है, ठीक है। इतने एरिया से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जो है इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा जब मैं इसको सॉलिड बनाऊंगा। अब आते हैं बात किसकी, अब बात आते हैं बीज वाले ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब जो मेन पार्टिंग है ना उसको आप कलर में डाल दो, जो मेन आपकी पार्टिंग है उसको आप कलर में डाल दो। कंट्रोल जे को सिलेक्ट करके मैं जो पार्टिंग है इसको मैं अलग से कलर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तो आपको भी पता लगे कि हाँ मेरा मेन ऑब्जेक्ट कैसा है और किस तरीके से आ रहा है। अब इसको हम ट्रिम कर देंगे, और इसको भी ट्रिम कर देना पड़ेगा आपको। उससे पहले जो है हम जो आपका मेन पैच है, पैच अभी देखो, अभी मेन सी जाते हैं, पैच को कैसे क्लोज करना होता है। देखो जो पैच होता है आपका, उसको क्लोज करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। देखो आप पार्टिंग एक बार देख लो, आपका पार्टिंग कैसा है, पार्टिंग ठीक है, यहाँ हल्का सा फ्लैश आ सकते हैं, तो इसमें हम और काम करेंगे, इसको काम करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा, और बाकी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वैसे के लिए वर्टिकली मशीनिंग नहीं करोगे, कि इतना एरिया हम नहीं लेंगे, यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। और बाकी एरिया में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पार्टिंग को एक बार समराइज कर लेंगे लास्ट में, और कुछ कुछ पार्टिंग होता है जब सॉलिड बनाने के बाद हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ये पैच को क्लोज करते हैं, जो पैच छोटी छोटी पैच है ना, ये जो है ना, इसको हम क्लोज करेंगे। इसको क्लोज कैसे करेंगे आप, पहले बात सोचो, पहले आप इसको क्लोज कैसे करोगे, ठीक है। तो ब्रिज लेंगे, उसके बाद जो है हम ब्रिज को लेके इसको हम एक ब्रिज बनाएंगे, रेडियस को रेडियस में रखेंगे, रेडियस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वहां पे मशीनिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमें एन साइडेड लगाऊंगा। बहुत सारा सर्फेस लगा सकते हो आप, एन साइडेड लगा सकते हो, कैसे भी लगा लो, मैं यहाँ पे एन साइडेड लगाऊंगा, ठीक है। ओके क्लिक कर दिया मैंने गलती से, इसको मैं एन साइडेड को सिलेक्ट करूंगा दोबारा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली जो है इसको सिलेक्ट, देखो एक चीज और है, यहाँ पे आपका जो सरफेस है यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो गैप है ना, ये भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज करने के लिए आप डिले टेस्ट का भी यूज कर सकते हो, डिले टेस्ट से भी हो जाएगा, ठीक है। इससे भी बना सकते हो, डिले टेस्ट से भी, और ये भी आप डिले टेस्ट वगैरह से यूज करके बना सकते हो। क्लियर है? खत्म हो जाएगा ये, फिर एन शेडेड लगा लो। सिंगल कर्व ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं सिंगल कर्व ले लेता हूँ, मैं ये भी मैं सिंगल कर्व ले लेता हूँ। उसके बाद हल्का सा मैं घुमा लेता हूँ, घुमाना जरूरी है नहीं तो पता नहीं चलता है। ये वाला आपको कर्व सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करके इसको खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये वाला सरफेस खत्म करना है, जो ये वाला सरफेस है आपका। इस सरफेस को आप कैसे खत्म करोगे, इस सरफेस को खत्म करने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब देखो ये अप है, ये डाउन है, ये कैसे खत्म करोगे आप, इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। पहले हम ये खत्म कर लेते हैं,
ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद आपको ये वाला भी ख़त्म करना है, ठीक है, ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये अलग अलग सा लग रहा है, एक्चुअली अलग अलग है नहीं ये। जब मैं अपडेट डिस्प्ले कर दूंगा ना, ये ठीक हो जाएगा आपका रिवर्स डायरेक्शन। देखो मैं अभी अपडेट डिस्प्ले कर दूंगा ना, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे दिखने में होता है, बेसिकली होता नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये वाला फेस सिलेक्ट करके फिर हम इसको ये वाला फेस सिलेक्ट, ठीक है। अब देखो इसकी टेंजेंसी प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये वाला एरिया सबसे दिक्कत करता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। हम क्या करेंगे इस केस में, थोड़ा सा हम अलग तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जो है एक डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। कुछ हम दे देंगे 50 mm का, मैं दे रहा हूँ लेट से। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में दोगे ना तो आपके लिए ये काम का होगा, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है। अब इसको काटना है आपको, इसको काटना है, ट्रिम करना है। ट्रिम कैसे करना है, ट्रिम करने के लिए आपको पॉइंट एंड डायरेक्शन पे ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिम को क्या कर देंगे हम, इनवर्ट सिलेक्शन कर देंगे, क्लियर है। इसका लेवल किस में आ गए, इसके इक्वल में लेवल में आ गए, है ना। तो इसके बाद हम इसको लाइन लगाएंगे, ठीक, लाइन लगाएंगे। अब लाइन हमेशा जेड टू जेड होगा, क्योंकि यह टॉप टू टॉप है ना। तो लाइन को आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है आपको। कंट्रोल जेड कर दो, जो मेरा वर्टिकल पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट आपका टच होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट टच नहीं हो रही है तो फिर कहीं पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखते हैं, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ तो नहीं है, मतलब सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया ना। अब तो अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे एन शेडेड लगा दो आप। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हो, आराम आराम से कर रहा हो कि आप लोग समझ जाओ, बेहतर देख पाओ। ठीक क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे आपको बाउंडेड प्लेन लगा देना है। बाउंडेड प्लेन लगाओगे, लेकिन ध्यान से एक चीज़ एक रखना है, ये बाद में ना, ये जो एरिया है यहाँ पे ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है, 90 नहीं होगा, क्योंकि ये वाटिंग एरिया है। यहाँ पे हम ड्राफ्ट लगाएंगे, वो सॉलिड होने के बाद लगाऊंगा मैं। अभी मैं 90 फिलहाल अभी के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सरफेस में हम ड्राफ्ट वगैरह लगाने में दिक्कत आती है, ठीक है। और ये वाला एरिया को भी हम इसको एन शेडेड से कर देता हूँ मैं, आप दूसरा कलर में भी सेव कर सकते हो, अगर इस कलर में आपको देखने में दिक्कत होता है तो। 90 में है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एनमिल चला सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला पैच हमने गायब कर दिया, अब ये वाला पैच भी बंद कर दिया। ये सारा पैच हम बंद कर देंगे एक बार में। इसको बंद करने के लिए बहुत ही ईजी है, ये सब छोटी छोटी पैच बंद करना। यहाँ पे हम इसको टेंजेंट कर देंगे, ठीक है, एक एक करके टेंजेंट, ये सब मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से, सारे जो है ये मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो एक एक पैच आप जो है, देखो ऊपर से देखोगे ना, मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से है, इसलिए फटा हुआ ये। तो किसको देना है बढ़ेगा मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से, फिर इसके लिए कोई अलग से थोड़ी ना स्लाइडर चलाएंगे हम, ठीक है। अब बात रहती है इसकी, ये भी जो है आपका, लूप इज ओपन, कहाँ लूप ओपन है देखते हैं। ओके,
तो ये वाला लो लूप है आपका, यहाँ पे ओपन दिखा रहा है ना, ये वाला लूप, इस वाले लूप को अपने को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इस लूप को हम क्लोज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको क्लोज करेंगे, ये वाला एरिया को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया में आपको दिखने वाला चीज ये है कि ये वाला एरिया जो है इसके ऊपर है, तो पहले हम इसको ब्रिज लगा के इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लूप है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, एक एक करके हम जाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाली लूप ले लेते हैं, आपको ये देख पा रहे हो, ये कुछ अलग से सरफेस है निकल के आ रही है, इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम करने से पहले इसको अनशू करना पड़ेगा आपको। इसको ट्रिम करना पड़ेगा, उससे पहले आपको इसको अनशू करना पड़ेगा। ये अनशू हो गया है, ये वाला है अनशू हो गया है, उसके बाद इसको हम जो है ट्रिम कर देंगे। ट्रिम से भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। ये सब रहना नहीं चाहिए बेसिकली, ये सब वैसे जो रहेगा ना फिर दिक्कत आएगी बाद। क्लियर है, तो भी सिलेक्ट कर लो आप, इसको हम कॉपी कर दे। तो ये देखो इसकी टेंजेंट के हिसाब से ये फिल हो गया है। अब अपने को ये भी फिल करना है, ये वाला जो एरिया है इसको भी फिल करना है आपको। तो ये वाला रेडियस में इसी में ही ले लेता हूँ, अलग से नहीं लूंगा। ठीक है, ये वाला रेडियस में इसी में ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम एक एक करके, जैसे इसकी देखो ये टेंजेंसी खराब नहीं होना चाहिए, टेंजेंसी हमेशा मेंटेन रखना है। ठीक है, आपको टेंजेंसी मेंटेन रखोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये पूरा टेंजेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, एनसाइड नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपका स्वीप कमांड। ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, के बाद जो है ये और ये सिलेक्ट करना है, फिर ये, फिर आपका ये। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब आप इसको जो है क्लोज कर सकते हो, ये वाला एरिया को आप क्लोज कर सकते हो, एनसाइडेड से भी कर सकते हो। तो ज़्यादा एनसाइडेड नहीं लगाना है, एनसाइडेड लगाने से ना आपका इंप्रेशन खराब होता है, क्योंकि एनसाइडेड जो होती है ना, लेकिन देखो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एनसाइडेड लगाना ही नहीं है। अगर कहीं पर आपको टेंशन करना है वहाँ पर एनसाइडेड से काम बन रहा है, तो आप एनसाइडेड से यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि मैं एनसाइडेड ज़्यादा यूज़ ना करूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं बोलने का चाह रहा हूँ कि ज़्यादा आप एंसर यूज ना करो। देखो ये प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पैच आपका हो गया है। अब ये वाला पैच बंद करना है, ये वाला पैच बंद करना सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे आपको डिले टेज लेना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये रेडियस है, पहले इसको रेडियस को नीचे लेना पड़ेगा, पहले ये रेडियस को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, रेडियस को हम नीचे ले जाएंगे, फिर इसके बाद इसको हम क्लोज करना है, क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये वाला हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया, मैं चाहता हूँ पहले इसको ख़त्म कर लूँ, फिर हम इसमें आते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो होल है ओपन है, इसको हम बनाते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करते हैं। तो ये वाला पहले यही वाला कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक सरफेस मिसिंग है लग रहा है मुझे, ये वाला सरफेस। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट सरफेस जो हमने पहले पहले लिया था, तो उसको सिलेक्ट करके, देखो आपका ये सरफेस मिस हो गया ना, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ सरफेस मिस हो जाती है आपको इंडिविजुअल जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एन शेडर लगा सकते हो। कभी कभी पार्टिकल जो होता है ना वो पता नहीं चलता है, तो आपको इसीलिए मैं जब बोल रहा था कि आप वो एक एक सरफेस खुद से सिलेक्ट कर लो तब आपको पता लगेगा। अब मेरे को आपको मेरी बात पता लग रहा है आपको, है ना? अब पता लग रहा है ना आपको कि क्या क्या एक एक सरफेस, इसलिए ध्यान ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, डन। हमने सरफेस सिलेक्ट करके ओके कर देना है इन्हें। तो ये था तरीका जिस तरीके से आप हर एक चीज का पार्टिंग निकाल सकते हो। और बीच बीच में कभी जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिंग नहीं बन सकता है तो इसको आपको कैसे करना है, वहाँ पे आपको रिलीफ डे का काम करना है। रिलीफ डे का काम करना है इन द सेंस, मैं दिखाता हूँ रिलीफ डे का काम क्या होता है। तो थोड़ा सा सिस्टम है हुआ, मैं सिस्टम को क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गया कैसे करना है इसको। ये भी सारा चीज़ आप कर लोगे, इसको भी आपको जो है करना कर लोगे आप। और बाकी क्या रह गया मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो इसको सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके कर सकते हो। ये अगर ये वाला फेस टेंजेंट है, जैसे आप देख पा रहे ये वाला फेस टेंजेंट है, इस फेस को इस लेवल में ले आ सकते हो, आके इस पूरी को एक सरफेस में क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका मशीनिंग बच जाएगा, दूसरा चीज़ जो है आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है मतलब इसकी जैसे यहाँ पे लाइन देख रहे हो, मान लो ये अलग है, ये ऊपर वाला टेंजन अलग है, तो इस केस में आपको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इस तरीके से करोगे ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाला ज्यादा बेहतर है। इसको इस तरीके से हर एक जगह में बनाना है, यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हर एक जगह में बनाऊंगा बनाऊंगा मैं। यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद ये जो सरफेस है, इस सरफेस को इसको पूरा लेके एक आपको एंसर लगा सकते हो। अगर इस तरीके से बना सकते हो एक तो तरीका, इसमें क्या होगा मशीनिंग बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और दूसरी तरीका क्या होता है, इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो, इसको अलग लाइन से इसको एक्सट्रूड करा, एक्सट्रूड एक्सट्रूड करा, ये वाला तरीका जैसे मैंने बनाया था ये वाला तरीके से बना सकते हो। लेकिन इसके लिए यही वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। बाद में इसको मैं ड्राफ्ट दे दूंगा और यहाँ रेडियस दे दूंगा, और जो ऊपर वाला ग्रेविटी वाला पार्ट होगा इसको मैं 2 mm का ऑफसेट दे दूंगा और इसको रिलीफ में रख दूंगा, तो वहाँ पर कभी फ्लैश नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉपर बटिंग हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखो इस वाला तरीके से बनाओ या इस वाला तरीका यूज़ करके बनाओ, लेकिन इसमें ज़्यादा मशीनिंग होगा, ये थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस वाला है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, इसको इसमें यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको इसको हर एक जगह में इस तरीके से बनाओ, ब्रिज कर्व लेके इसको आप इस तरीके से बनाओ। ठीक है, डायरेक्शन ब्रिज कर्व का डायरेक्शन मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे लाइन आ रहा है, यहाँ पे लाइन नहीं आना है, ये आपको इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, अब इसमें आपको इस तरीके से बना बना के, तो इस तरीके से बना बना के क्या करना है आपको, हर एक जगह में ऐसे इस तरीके से लेके इसके लेवल में लाना है, मतलब ये वाला फेस के लेवल में लाना है। जब इस फेस के लेवल में ले आओगे, लेट्स से मैं इस फेस के लेवल में ले आया, इधर भी मैंने इस फेस के लेवल में ले आएगा, तो फिर हम इसको एंड बेन साइडेड मार के इसको फ्लैट बना देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इजी होगा, मशीनिंग बच जाएगा आपका, ये बेस्ट तरीका होता है। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसमें मशीनिंग ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कंज्यूम होगा, खर्चा भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो इसी तरीके से आप पार्टिंग निकाल सकते हो, कुछ चीज़ें अगर पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लास्ट मेरे एक मैंने स्टूडेंट को होमवर्क दिया था जिसने बनाया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मे भी होना चाहिए यहाँ पे होमवर्क के लिए मैंने दिया था उसे, ये बनाया था। ठीक है, तो इसने भी सही बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया पार्टिंग, आप देख पा रहे हो ये वाला जो मेरा स्टूडेंट ने बनाया था, बना के दिया था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने काट लगाया था, ये बेसिकली क्या होता है ना, टाइम सेविंग के लिए होता है। देखो कि इतना बढ़िया तरीके से बना दिया है, कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है, उसने इस तरीके से बनाया, मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ।
देखो इस तरीके से बनाया उसने, ये बढ़िया तरीका है, ये तरीका से आप बना सकते हो। अगर आपको फाइल चाहिए तो मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, पूरी कंप्लीट टूल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला था आपका, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, हीरो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो क्या क्या चीज़ें कराऊंगा, सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएंगे, हर एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। देख रहे हो यहाँ पे पार्टिंग कितना स्मूथ बन रखा है, यहाँ पे देख लो कितना बढ़िया से पार्टिंग हम मिला रखा है, यहाँ पे भी देख लो आप, ऊपर से भी देख लो, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी इसको सॉलिड मॉडलिंग करेंगे, सॉलिड ले जाएंगे, सॉलिड बनने के बाद जैसे यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पे रेडियस डालेंगे, फिर इसमें ड्राफ्ट डालेंगे, तो तरीका पता लग जाएगा बाद में आपको। तो आज का वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। जिसको भी क्लास वगैरह लेना है, मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नीचे मैंशनड है, वो डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जो क्लासेस है मेरा, एक तरीके से स्टार्ट होने वाला है, एक लाइव क्लासेस भी चलने वाला है, एक रिकॉर्डेड भी चलने वाला है, जिसको जिसमें ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लास होगा आपको, और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो फिलहाल जो है तीन सीट खाली है और एक में 5 सीट खाली है, जल्दी जल्दी अपना सीट बुक कर लो, ऑफर लिमिटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।